अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं पाक फ्यूज बीटी और मैं हूं आपका होस्ट सरदार रिजवान। और आज आप देख सकते हैं गलियात में पहली बर्फबारी जो कि शुरू हो चुकी है, मेरे ऊपर भी आ रही है बर्फ़, आप कैमरे में देख भी सकते हैं। और अभी तो बहुत ही इंजॉयफुल मौसम है क्योंकि फर्स्ट स्नोफॉल है इसलिए, और आगे आगे जैसे कि अभी स्नोफॉल होती रहेगी आपको हम अपडेट भी करते रहेंगे साथ साथ। आगे आप देख सकते हैं व्यू वगैरह भी फुल तेज़ी से जारी है स्नोफॉल। और हमारे साथ अभी मौजूद हैं मेहताब भाई, थोड़ा सा इनसे भी पूछते हैं जी ये स्नोफॉल को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आप देख सकते हैं स्नोफॉल, मौसम बड़ा अच्छा हो गया है जो कि ठंड, अमूमन ये जो स्नोफॉल है बर्फ़बारी है ये होती है दिसंबर के मिड में तकरीबन, लेकिन इस दफ़ा जो सा है कुछ वेदर चेंजेस की वजह से ये 15-20 दिन पहले ही स्टार्ट हो गई है बर्फ़बारी। लक तिन पैक बलिए अभी हम जा रहे हैं जनाब मुगा गली से फैजाबाद की तरफ, और आप देख सकते हैं कि आज व्यू भी काफ़ी अच्छे हैं और बर्फ भी काफ़ी पड़ी है डूंगा गली की तरफ, क्योंकि इधर हाइट भी ज़्यादा है। और ये होटल है अमोर होटल, इसके सामने भी गाड़ियाँ वगैरह रश वगैरह तो कम ही है, दो गाड़ियाँ हैं सिर्फ। और अभी ये डूंगा गली का मंजर है, और ये डूंगा गली है जो आपको हमने दिखाई है, थोड़ी थोड़ी स्नो इधर भी 2-2 इंची हुई है। और आगे चलते हैं आपको थोड़ा दिखाते हैं पुलिस स्टेशन वगैरह भी, ये पुलिस स्टेशन है जहाँ पे छत पे देख सकते हैं काफ़ी 2-2 इंची तो बर्फ़ है ही छत पे। और आगे अभी यहाँ पे हाइट ज़्यादा है इस वजह से स्नो ज़्यादा है, सुबह सुबह तो जब गाड़ियाँ भी स्लिप कर रही थी, अभी मशीन भी नहीं कुछ इधर साफ किया है, रोड वगैरह धुंध ही धुंध है हर तरफ। और आगे भी स्नो वगैरह होगी और आप हमारे साथ बने रहिए, आपको व्यू वगैरह दिखाएंगे आगे, क्योंकि 2-3 महीने यहाँ पे स्नो के ही हैं, ये तो थोड़ी थोड़ी है फर्स्ट स्नोफॉल है, इसलिए अभी स्नोफॉल ने अपना मोशन पकड़ना है। फिर आपको ये देख सकते हैं ये काफ़ी इधर रोड पे है, सुबह सुबह गाड़ी स्लिप कर रही थी, चेन के बगैर तो कोई जा ही नहीं सकती थी। और हमारे साथ हमाद भाई मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम। ये स्नो जो रोड पर पड़ी है सुबह सुबह, हम जब कॉलेज जा रहे थे आपने तो देखा ही था कुछ। जी, जब जा रहा था सुबह कॉलेज की तरफ तो इधर स्लिपरी बहुत ज़्यादा थी, जो चेन के बगैर गाड़ी तो चढ़ ही नहीं सकती थी। हाँ जी, वो चेन वाले कितने पैसे ले रहे थे? चेन वाले इस बार जाए थी पैसे ले रहे हैं 1500 ले रहे हैं, पिछली दफ़ा तो बहुत ज़्यादा पैसे दिए तो गाड़ियाँ और लोग फोटकी वगैरह थी चेन की वजह से कह रहे थे। अच्छा जी, चेन की वजह से फोटकी। चलो अभी हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।